Hello students, I am Ajay sir from Vivekananda Senior Secondary School Bani. Class 12th Physics, next topic is Gold Leaf Electroscope. Now the gold leaf is scientist name and electroscope, it is the instrument used for detecting charge or measuring the charge. It is an instrument which is used for detecting the presence of electric charge. ये ऐसा एक instrument है जो क्या काम करता है, डिटेक्ट करता है या प्रेजेंस पता लगाने के लिए कि उसके ऊपर चार्ज, किसी भी चीज के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, एंड मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में भी इस्तेमाल होता है. इसमें क्या क्या होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे. इसके अंदर एक जार होता है, ग्लास का जार है जी, जिसको नोट किया गया ग्लास जार. ओके, इस ग्लास जार के अंदर एक मेटल की रोड इंसर्ट करवाई जाती है जो है आर रोड, मेटल की ये होती है. इसके ऊपर एक मेटल की डिस्क लगी होती है, दैट इज मेटल डिस्क डी, इसको डी बोलते हैं. ओके, नाउ द स्टॉपर इज इंसर्टेड ऑन द माउथ ऑफ दिस कंटेनर, दैट इज एस स्टॉपर, ये इंसुलेटर स्टॉपर होता है. ओके, ताकि चार्ज इस मेटल रोड से इसके अंदर ना ट्रांसफर हो सके. अब ये जो यहाँ पे रोड है, ये आपने वो रोड है जिसका आपने चार्ज को डिटेक्ट करना है. ये रोड मेटल रोड जो इसके अंदर इंसर्ट की गई है, इसके आगे दो लीव्स लगाई जाती है. ये लीव्स गोल्ड की होती है, इसीलिए इसको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. गोल्ड की लीव्स, टू थिन गोल्ड फॉयल यूज किए जाएंगे, एल डबल एल है ना, एक इधर एल है एक इधर एल, तो दो फॉयल आपने यूज करनी है. मेटल की रोड बता दी, ग्लास जार आपको बता दिया. अब नेक्स्ट, यहाँ पे दो फॉयल आपने यूज करनी है. ये एल्यूमिनियम मेटल की ज्यादातर यूज की जाती है. टू फॉयल टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, इस एक्सपेरिमेंट की सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे टू फॉयल इंसर्ट की जाती है, और ये एक इंसुलेटिंग चैम्बर के ऊपर रखा जाता है. ओके, मैं इसको बताता हूँ ये कैसे चार्ज को मेजर करता है. सबसे पहले आपने यहाँ पे चार्ज दिया इसको. ओके, मान लो आप पॉजिटिव चार्ज इसको ऊपर दे रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज मेटल डिस्क से होता हुआ, इस रोड से होता हुआ इन दोनों फॉयल्स के अंदर चला जाएगा. ओके, अब फॉयल्स के अंदर सेम चार्ज आ चुका है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव आया, इसके ऊपर पॉजिटिव आया, तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जितना ही ज्यादा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जितना ये दूर करेंगे, हम पता लगा लेंगे कि उतना ही ज्यादा उसके ऊपर चार्ज है. अगर ये कम रिपेल करेंगे तो हम बोलेंगे इसके ऊपर बहुत कम चार्ज था. किसके ऊपर कम चार्ज था? इस रोड के ऊपर. ओके, तो इसमें आप एक तो ये पता लगा सकते हो कि कितना चार्ज आया, ज्यादा क्वांटिटी में आया, कम क्वांटिटी में. आप ये भी नेचर ऑफ चार्ज भी पता लगा सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज आया नेगेटिव चार्ज आया. वो कैसे पता लगा सकते हो? आपको क्या करना है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेजर करना है, तो आपको जैसे आपने पहले इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस फॉयल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला गया. अब आपने कोई नेगेटिव चार्ज की रोड यहाँ पे लेके आए हो, कोई नेगेटिव चार्ज की रोड जब इसके साथ टच करवाओगे, तो ये जो फॉयल होंगी ये डाइवर्ज करने के बजाय आपस में चिपकना शुरू कर देंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज आ चुका है ना, पहले पॉजिटिव था अभी नेगेटिव चार्ज आया, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को खत्म करना शुरू कर देंगे, तो ये फॉयल्स हैं वो आपस में पास पास आना शुरू कर देंगे. इसका मतलब हम पता चल जाएगा कि हमने पहले तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया था, बाद में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया, ताकि ये दोनों आपस में पास पास आ गए. अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर दोबारा हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, तो ये और ज्यादा एक दूसरे से डाइवर्ज करेंगे. ओके, टू मेजर द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स, आप लीव्स की डाइवर्जेंस मेजर कर सकते हो, और डाइवर्जेंस से पता लगा सकते हो कि उसके ऊपर चार्ज कितना है. द अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी कैन बी एस्टिमेटेड, और कितने अमाउंट में उसके ऊपर चार्ज आया आप पता लगा सकते हो. ओके, किसकी मदद से? डाइवर्जेंस को मेजर करके. और नेचर ऑफ द चार्ज, और नेचर ऑफ द चार्ज भी आप मेजर कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, बाय ऑलरेडी चार्ज गिवन टू द लीव्स. लीव्स को पहले से चार्ज देख के आप उसका नेचर भी मेजर कर सकते हो. व्हेन चार्ज ऑफ द बॉडी अपोजिट टू द चार्ज ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जब आपने चार्ज जो बॉडी के ऊपर चार्ज है अपोजिट टू द चार्ज ऑन द गोल्ड लीफ, लीफ से चार्ज से अपोजिट चार्ज, मैंने बताया था ना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो आपने नेगेटिव चार्ज वहां से दिया अपोजिट, देन डाइवर्जेंस वुड डिक्रीज, तो डाइवर्जेंस कम हो जाएगी. व्हेन चार्ज ऑफ द बॉडी सेम टू द चार्ज ऑन द गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, और ये जो दोनों का चार्ज सेम होगा तो डाइवर्जेंस इंक्रीज हो जाएगी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द गोल्ड लीफ
electroscope. Now next topic is cause of charging. क्यों charge आता है, क्या कारण है charging किसी body के charge होने का. वैसे मैंने कल आपको बता दिया था इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ये चार्ज आता है. द कोज ऑफ चार्जिंग इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मटेरियल टू दी अनदर. इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है. और आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसके किससे जाते हैं, जिस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूज पैक होते हैं उसके ट्रेवल होते हैं दूसरी बॉडी के पास. और लूज पैक को साइंस की लैंग्वेज में, आपके फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, लोअर वर्क फंक्शन. जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली पैक है, लूजली पैक है ओके, उसको बोलते हैं लोअर वर्क फंक्शन. उसका जो वर्क फंक्शन है वो लो है. द मटेरियल लूज इलेक्ट्रॉन इजिली. जिस भी मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर सकेगा. द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द मटेरियल हूज वर्क फंक्शन इज लोअर. इलेक्ट्रॉन इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं किससे, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होता है टू द मटेरियल हूज वर्क फंक्शन इज हाई. और उस मटेरियल के पास जाते हैं जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है. वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए दी जाती है ओके. तो जिस मटेरियल की एनर्जी कम लगती है, मतलब वो थोड़ी सी एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं ओके. द मिनिमम एनर्जी फॉर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वर्क फंक्शन. फॉर एग्जांपल्स आपको कल मैंने बताया था ड्राई हेयर, जैसे कोम्ब आपको पता है ना, आप ड्राई हेयर में कोम्ब करते हैं तो वो छोटे छोटे पेपर के पीस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है. तो इसमें जो कोम्ब है उसका हाई वर्क फंक्शन होता है और जो ड्राई हेयर होते हैं उसका लो वर्क फंक्शन होता है. तो इसमें से किस के पास से किधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ड्राई हेयर से कोम्ब के पास. इसका लो वर्क फंक्शन है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे. तो ये जो कोम्ब है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और ये जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन गया ना. और ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैंने कल बताया था और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ओके. नाउ वे ऑफ चार्जिंग, अब किस किस मेथड से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो. फर्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन. कंडक्शन फर्स्ट प्रोसेस है, कंडक्शन से आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो. व्हेन ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय पुटिंग इट टू कॉन्टैक्ट विद अनदर चार्ज बॉडी. जब दो बॉडी को आपस में आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के अंदर लेके आते हो, पास पास लेके आते हो, तब जो चार्ज ट्रेवल होता है एक बॉडी के ऊपर, मान लो कोई एक्स एक्स चार्ज है वो दूसरी बॉडी के ऊपर चला जाए तो हम बोलेंगे चार्ज बाय कंडक्शन. उससे कंडक्शन के द्वारा चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे गया. इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना अनिवार्य है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना जरूरी है. दोनों बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट होनी जरूरी है. मान लो ये बॉडी है, ये बी बॉडी है. ए बॉडी के ऊपर ये देखो 5 प्रोटॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके ऊपर 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ओके. तो ये बॉडी इसके साथ टच की, इसके ऊपर 5 है या 3 है, तो दोनों के ऊपर तब तक चार्ज ट्रेवल करता रहेगा जब तक इसका जो चार्ज है इक्वल नहीं हो जाता. इसमें भी 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, तो हम बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन के द्वारा आप कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो. द फिनोमिना बाय चार्जिंग कैन एन अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी ओके. अब आपने किसी अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करना है बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर इट. कोई दूसरी चार्ज बॉडी को उसके पास लेके आना है विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना. जैसे आपने कंडक्शन के अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया था ना, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना. इसमें आपने दूर से किसी बॉडी को चार्ज कर देना. कैसे करेंगे देखते हैं ओके. ये देखो ये कोई बी बॉडी है जो अनचार्ज बॉडी है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. ये ए बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज हमें पता है पॉजिटिव चार्ज. तो बी बॉडी न्यूट्रल बॉडी होगी ना, उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे. ये देखो आपने यहाँ पे कोई भी चार्ज बॉडी उस दूसरी बॉडी के पास लेके आए तो आपको पता पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो इसका जो नेगेटिव होंगे वो एक साइड हो जाएंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो एक साइड हो जाएंगे ओके. तो यहाँ पे ये देखो ये सारे नेगेटिव एक साइड हो गए, ये पॉजिटिव एक साइड हो गए. आपने उस चार्ज को अभी दूर नहीं करना, पास ही रखना. तो ये उसके अट्रैक्ट रहेंगे. और आपने ये जो दूसरा है पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या कर देना, ग्राउंड कर देना, इसकी अर्थिंग कर देनी है. ये सारा चार्ज ग्राउंड हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा और ये बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इस तरीके से आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इंडक्शन.
इन इंडक्शन ग्लास रोड ए चार्ज डज नॉट लूज एनी चार्ज, इसके अंदर जो ए बॉडी का है ना उसका चार्ज लूज नहीं हुआ, आपने जो पहले कंडक्शन के अंदर किया था उसके अंदर इस बॉडी का जो चार्ज है वो लूज हो गया था, इसके ऊपर पहले पांच थे अब चार होंगे ना, उसके ऊपर जितने थे उतने ही रहेंगे, इसका जो चार्ज है वो लूज नहीं होगा, अगर इसके ऊपर चार हैं तो इसके ऊपर चार ही रहेंगे। नेक्स्ट मेथड एंड लास्ट मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, आप फ्रिक्शन से भी किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो, आप दो इंसुलेटिंग बॉडी को आपस में रब करके चार्ज कर सकते हो। ओके अब ये देखो यहाँ पे दो बॉडी को आपस में रब किया, अब मैंने बताया था जिस बॉडी का लो वर्क फंक्शन होगा, लो वर्क फंक्शन होगा वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और दूसरी बॉडी जिसका हाई वर्क फंक्शन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ओके तो ये देखो इसके अंदर इसका वर्क फंक्शन ज्यादा था, इस सब्जेक्ट का मान लो इसको ए लिखते हैं इसको बी लिखते हैं, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा था तो ये क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए। अब जितने वो इलेक्ट्रॉन कोई चीज गेन करता है तो उसका मास भी इंक्रीज हो जाता है। ओके जितने उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उतना उसका मास ज्यादा होगा और इसका मास कम हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। अब आपने क्वांटाइजेशन करना, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, कोई भी चार्ज है अगर फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है, अगर नहीं चार्ज हमेशा होता ही फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, चार्ज हमेशा पूरा पूरा ट्रेवल होता है, पूरा पूरा एक बॉडी से दूसरी जाता है इंटीग्रल, जहाँ तो वन जाएगा या टू जाएगा या थ्री जाएगा या फोर जाएगा, और वन जाएगा दैट इज इंटीजर, ये इंटीजर्स है, इंटीजर मल्टीपल होके जाता है, फंडामेंटल चार्ज ये फंडामेंटल चार्ज होता है। ओके वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज फंडामेंटल चार्ज, जैसे ये वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, अगर किसी बॉडी के ऊपर वन इलेक्ट्रॉन चार्ज आया तो उसके ऊपर इतना चार्ज आएगा, और दो इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस चीज के साथ दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम उसके ऊपर चार्ज जाएगा, कभी भी हाफ चार्ज नहीं जाता, आधा चार्ज चला गया, 2.5 चार्ज चला गया, 3.5 चला गया, 1.5 चला जाएगा, ऐसा कभी चार्ज नहीं जाता, हमेशा फिक्स अमाउंट में चार्ज जाता है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट, चार्ज जो हमेशा एग्जिस्ट करता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल टू द चार्ज is integral multiple of basic unit of charge, this is basic unit, this is integer. Next हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, the smallest charge that can exist independently, सबसे छोटा चार्ज जो independently exist करता है चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज होता है, और वो क्या करता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, चार्ज ऑलवेज इन, अब आपको मैंने बताया हमेशा इंटीजर फॉर्म में चार्ज ट्रेवल होते हैं, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है बट रहेगा वो इंटीजर की फॉर्म में, क्यू इज इक्वल टू ये पॉजिटिव नेगेटिव बताया कि चार्ज पॉजिटिव भी ट्रेवल करता है नेगेटिव भी ट्रेवल करता है, दिस इज चार्ज ऑन एनी बॉडी, क्यू मीन टू से चार्ज, एन मीन टू से इंटीजर, और ये है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। अब आप क्वेश्चन करोगे इज ए चार्ज ऑफ 5.8 × 10⁻¹⁸ कोलम पॉसिबल, क्या इतना ये चार्ज पॉसिबल है, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके क्या इतना चार्ज ट्रेवल हो सकता है, आपको भी मैंने फार्मूला बता दिया क्या इज इक्वल टू एन ई। ओके ये आपने इस फार्मूले से ये आपने डिस्कस करना है, ये देखो क्यू आपको चार्ज गिवन दे दिया 5.8 × 10⁻¹⁸ और n क्या है, n आपको निकालना है कि अगर वो पूरा पूरा नंबर आता है इंटीजर में आता तो आप ये क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो ये रॉन्ग होगा, 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है ये इतनी होती है। ओके अब आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, n इज इक्वल टू आएगा 5.8 × 10⁻¹⁸ बाय 1.6 इंटू 10⁻¹⁹, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा +19 हो जाएगा। ओके अब 5/8 = 58, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻¹⁹ पावर आएगी क्योंकि ओके अब ये आप काटते हो तो 3 point something आएगा, दिस इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, तो ये आपका सम है
ये चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं होता. ओके, ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी. नेक्स्ट है, कैन ए चार्ज ओ 4.8 इंटू 10 रेस टू माइनस 18 बी गिवन टू अ बॉडी. क्या ये इतना चार्ज किसी बॉडी को गिवन दिया जा सकता है, वह हम देखते हैं. ये आपको बताया गया कि इतना चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं हम. क्या यहाँ पे भी इंटीजर की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? ओके, तो आप वही फार्मूला लगाओगे क्या इज इक्वल टू एन ई. ओके, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ. एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ई की वैल्यू आपको पता है 10^-19. एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 4.8 इंटू 10^-18, यहाँ पे 1.6 इंटू 10^-19 एन की वैल्यू. ये ऊपर जाएगा, ओके, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे प्लस 19 हो जाएगा, एक 10 रह जाएगा, ये वैल्यू कट हो जाएगी. और इसको काटोगे तो आपको पता है कितने पे ये कट जाएगा, 3 पे. तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एन की, दिस इज 30, क्योंकि 10 भी है ना साथ में, 3 × 10 30 वैल्यू आएगी. 30 इज एन इंटीजर. तो यस, हम इतना चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं. अब नेक्स्ट है, व्हाट इज चार्ज ऑन ए बॉडी फ्रॉम विच 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन रिमूव. अब आपने चार्ज निकालना है, आपको क्या दे रखा है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया. क्यों आपने निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 मिलियन आपको पता है 10^6 होते हैं. ओके, ये आपको दे दिया 1 मिलियन, और आपके पास 1.6 ई की वैल्यू भी है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, 10 यहाँ पे आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई, और ये पावर उसके साथ ऐड हो जाएगी, 13 − 13 आपकी वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट है एडिटिविटी ऑफ द चार्ज. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि चार्ज को हम ऐड कैसे कर सकते हैं. बाय दिस प्रॉपर्टी टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑब्टेन सिंपली बाय एडिंग अलजेब्रिकली. जो चार्ज हमेशा सिंपल हम ऐड करते हैं उसको. ओके, जैसे फर्स्ट चार्ज को, सेकंड चार्ज को, कितने भी चार्ज हैं उसको सिंपल आप ऐड करोगे, जैसे आप सम सॉल्व करते हो. प्रॉपर साइन ऑफ चार्ज मस्ट बी यूज्ड, प्रॉपर साइन यूज होने जरूरी है. जैसे मान लो किसी भी आइसोलेटेड बॉडी को चार्ज आपने दे दिया, इसके ऊपर आपने कौन कौन सा चार्ज दिया, −1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और टोटल चार्ज इस बॉडी के ऊपर आपने निकालना है. तो यहाँ पे 1 ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये 3 हो, और टोटल ये आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये और दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 जो चार्ज आ जाएगा आपको. ओके, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज. चार्ज जो होता है वो कंजर्व, आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की होगी, अब आप पढ़ोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इट इज प्रॉपर्टी बाई विर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट. आपको पता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज. चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं, बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, सिर्फ हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं चार्ज के कंजर्वेशन को प्रूव करते हुए. ये देखो इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको, पॉजिट्रॉन. ओके, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलके क्या बनाता है, 2 गामा बनाता है. तो यहाँ पे जो चार्ज है, दोनों का जो चार्ज है वो इक्वल है, इधर भी सेम चार्ज है, इधर भी सेम चार्ज है, इसका अमाउंट ऑफ चार्ज और इसका अमाउंट ऑफ चार्ज सिंपल है. तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को प्रूव करता है रेडियो एक्टिव डी के. अब ये देखो यूरेनियम 238 92, अब ये देखो 238, इधर देखो इसका जो चार्ज नंबर है, एटोमिक नंबर है, मास नंबर है, वो दोनों इक्वल है. 238 बन रहा है, 92 90+2. तो यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है. ये जो वैल्यू होती है एटॉमिक नंबर, ये भी चार्ज के ऊपर बेस होती है. आपको पता है इसके, ये किसके ऊपर बेस होती है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही तो चार्ज होता है. तो ये प्रूव कर रहा है चार्ज को. न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्म, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी ये देखो 14+4, यहाँ पे देखो 17+8 18 होगा, 7+9 8+1 9. तो यहाँ पे भी ये प्रूव हो रहा है कि चार्ज ऑलवेज बी कंजर्व. नाउ नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ द चार्ज एंड मास. मास और चार्ज को हम कंपेयर करेंगे, डिफरेंस उसके अंदर करेंगे. फर्स्ट है चार्ज, चार्ज
चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, सेकंड, डज नॉट डिपेंड अपॉन वो वेलोसिटी. चार्ज कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बट जो मास होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. विद इंक्रीज द वेलोसिटी, जैसे जैसे हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे मास भी बढ़ता जाएगा. ये देखो, ये जो मास है किसी भी बॉडी का मास है. ओके, ये जो मास है ये डिपेंड, ये वेलोसिटी के साथ मास है, वेलोसिटी इसके अंदर जुड़ी हुई है. ये जो मास है ये रेस्ट मास है, किसी बॉडी के रुके हुए होने का मास है. तो आपने अगर किसी भी बॉडी का वेलोसिटी के साथ मास निकालना है तो ये फार्मूला यूज करते हैं. मास उसका रेस्ट मास, उसको रेस्ट के ऊपर उसका मास है, ये 1 - v² / c². वी उस बॉडी की वेलोसिटी है, वो बॉडी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है. सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, तो इसके अंदर उन्होंने बोला है अगर यहाँ पे ये जितना भी आप वेलोसिटी पुट करते जाओगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपका उस वेलोसिटी के साथ मास आ जाएगा. ओके, तो ये जो मास, अगर यहाँ पे हम देखते हैं इस वेलोसिटी, इस मास की वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है, देखो 1 - c² / c², तो सी सी कट जाएगा, 1 - 1 जीरो हो जाएगा, जीरो किसी भी चीज से डिवाइड करते तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मास उसका चीज का इन्फिनिटी हो जाएगा. मतलब किसी कहने का क्या, अगर कोई वेलोसिटी कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के से मूव करती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जितनी उतनी स्पीड से मूव करती है, तो उस बॉडी का मास इतना हो जाएगा कि उसका मास इन्फिनिटी हो जाएगा. m0 / 0 = infinity, मतलब बहुत ही ज्यादा मास बढ़ जाएगा. ओके, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी वस्तु स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती. थर्ड है क्वांटाइज्ड, जो चार्ज अभी आपको क्वांटाइजेशन का मतलब बता दिया था, q = ne, मतलब पूरा पूरा चार्ज जाता है, मास भी हमेशा पूरा पूरी क्वांटिटी में जाता है. कंजर्व चार्ज विल ऑलवेज बी कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है. ये कंजर्व नहीं रहता, ये जो मास है वो एनर्जी के अंदर चेंज हो जाता है. फोर्स, इनके अंदर जो चार्ज के अंदर जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है, बट इसके अंदर ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होती है एक मास और दूसरे मास के अंदर. आपने ग्रेविटेशन का किया ना, m1 × m2 / r² आपको पता है इनवर्स स्क्वेयर लॉ होता है. ओके, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता. आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ही आपको करवाया जाएगा, ये भी फॉलो करता. आपको पता है ग्रेविटेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ पता है ना, 1/r² डायरेक्टली पोर्शन टू 1/r² कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं है. कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास ऐसा भी मास प्रेजेंट है जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता. ये जो कूलम्ब है, आपको पता है ना चार्ज की ऐसी यूनिट कूलम्ब होती है, तो जो कूलम्ब है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है, वो ड्राइव्ड यूनिट है. वो ड्राइव कहाँ से बनाई गई है, वो आपको पता है जो I = current क्या होता है, चार्ज बाय में टाइम. ओके, चार्ज बाय में टाइम होता है, तो यहाँ पे करंट से इसका यूनिट बनाया गया था. ओके, इसका एम्पेयर यूनिट आ जाएगा, टाइम का यूनिट सेकेंड आ जाएगा कूलम्ब का, फिर कूलम का यूनिट ASB हम नोट कर सकते हैं. तो ये उससे बनाई गई है, ड्राइव यूनिट है, और ये फंडामेंटल यूनिट होती है. ओके, एक्सेलरेटेड चार्ज एमिट रेडिएशन, अगर कोई चार्ज फुल स्पीड से एक्सेलरेट करता है, वेलोसिटी चेंज करता है विद द टाइम, देन इट प्रोड्यूस एमिट रेडिएशन. एक्सेलरेटेड मास एमिट नो रेडिएशन, कोई भी मास रेडिएशन एमिट नहीं करता. इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, इसका ऐसा यूनिट kg होता है. ओके, स्टे सेफ, स्टे होम. ओके, बाय.